सत्यम सॉन्ग होंगे बोले, राइट आर्म ओवर द विकेट। और ये फिर मार हिट किया है यहाँ पॉइंट के जानिब 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी किया है यहाँ पर बैट्समैन ने लाजवाब, बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी सदफ जोहर यहाँ मौजूद हैं बैकअप करते हुए। तो सदफ जोहर हैं जो कि 3 साल के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वहाँ पे हिट किया है, सनम जौहर मौजूद हैं और फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान, 1 रन लेकर के दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो सदफ जौहर हैं बॉलर, बहुत एनर्जेटिक हैं, तो बहुत ही अच्छी गेंद डाल रहे हैं यहाँ पर। सदफ जौहर मीडियम पेसर बॉलर हैं, बॉल को ग्रिप से बनाते हुए। तो इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए स्टेडियम में काफ़ी लोग मौजूद। और ये फिर से एक बार, और ये फिर हिट किया, वहाँ पे प्लेयर मौजूद, बहुत बढ़िया फील्ड किया यहाँ पर जिनका नाम है अरमान जौहर उर्फ आदिल, बहुत ही अच्छे फील्डिंग किया उन्होंने, आदिल ने 4 रन निश्चित रूप से बचाए हैं और एक बहुत बढ़िया ओवर की समाप्ति। बहुत ही एक बार फिर से सदफ, और ये कैच होने का खतरा हो सकता था लेकिन वहां पर मिस हुआ। सदफ जोहर फिर से बॉल करेंगे, बैट्समैन और ये 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति। ग्लोबल स्टार्स क्रिकेट क्लब की तरफ से बॉल करेंगे सनम जौहर जो कि कैप्टन है अपने टीम के, और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, बोल्ड मार दिया उन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सनम जौहर ने, क्लीन बोल्ड किया है बैट्समैन को, बहुत अच्छी गेंदबाजी, आते ही कैप्टन अपने टीम के लिए और आते ही एक विकेट निकाला अपनी टीम के लिए जो कि वो बहुत ज़रूरी था। बहुत ही अच्छी गेंद कर रहे हैं, बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा है, लगातार 2 गेंदों पर अपने बीट कर आया है सनम जौहर ने। स्कोर टोटल हो गया है 9वां 10वां ओवर चल रहा है, माफ कीजिएगा, और ये हल्के हाथों से वहां पर खेला और अच्छी फील्डिंग का मुजहरा आपसे के द्वारा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति। तो ये 11वां ओवर चल रहा है, माफ कीजिएगा, 11 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर एनआर का जो है 78 रन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एनआर ने 30 ओवरों के यह टूर्नामेंट मैच हो रहा है, तो 30 ओवर में अभी तक 11 ओवर की समाप्ति और टोटल स्कोर जाके पहुंचा है 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी एक एक विकेट लेकर के सनम जौहर हैं, 1 विकेट पाया अभी, ऑफ ब्रेक हैं और बैटिंग करते हैं। तो जैसा कि अभी यहां पर चल रही है ग्राउंड में मैच, मैच का आपको देखा अलग है, थोड़ी देर बाद में फिर आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक है। इस समय बैटिंग कर रही हैं अनिशा, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही हैं, और जो कि अभिषेक शुक्ला, माफ कीजिएगा, अभिषेक मिश्रा हैं बॉलर, उनको लगातार 2 बॉलों पर 2 चौका और 1 बॉलों पर डबल लेकर के इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं। तो नैने को दहला जरूर मिला है यहाँ पर अभिषेक मिश्रा, और ये हल्का सा उसको हिट करना चाहती थी लेकिन वहाँ पर अनिशा ने उसको सही तरीके से बैट पर नहीं ले पाई, कोई नुकसान नहीं हुआ, ओवर की समाप्ति हो गई। तो अभिषेक अपने ओवर में, तो अभिषेक ने 12 रन दे दिए हैं और अनिशा जो कि वुमेन खिलाड़ी हैं उभरती हुई,
नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाया और अभिषेक मिश्रा को लगातार दो चौका और एक दो रन लेकर के 12 रन अपने खाते में अर्जित किया। सनम जो और होंगे बॉलर, ये अच्छी बॉल थी उसको और ये कैच आउट, ये विकेट पा गया सनम जौहर ने, एक विकेट और यहाँ पर झटका तो इनके तीन विकेट हो गए हैं सनम जौहर के। और उज्जवल दुबे ने कैच किया यहाँ पर, दोनों भाई हैं साथ में खेलते हैं इस समय, दोनों साथ अच्छी कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा बॉल किया और इनको पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए, तो जैसा कि अगर कैच नहीं छूटा होता तो सनम जौहर के चार विकेट आज होते हैं यहाँ पर। ओपनर बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं वो। तो नॉर्दर्न रेलवे के स्टेडियम में यह मैच चल रहा हुआ है ग्लोबल स्टार्स वर्सेस एनआर क्रिकेट एकेडमी के बीच में, तो बहुत अच्छा लगभग 140 रन के ऊपर बना ली है एनआर ने। अभी ओवर कुछ बचे हुए हैं, स्कोरर हमारे अभी बताएंगे तो आपको हम पूरा स्कोर बताएंगे। यहाँ पर एक बार फिर होंगे सनम जौहर, सनम जौहर ये हल्के हाथों से और ये बॉल किया वहां पे, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर अभिषेक मिश्रा मौजूद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है अरुणेशा। वहां पर नॉन स्ट्राइक पर खड़ी है, लंबे लंबे हिट्स लगाती है लेकिन अभी स्ट्राइक नहीं पाएंगे सनम जौहर एक बार फिर, और ये अच्छी गेंद तो मिस किया वहां पर, खेल नहीं पा रहे कोई भी अच्छे तरीके से, बैट पर ले नहीं पा रहे, बहुत ही अच्छी, मात्र 6 साल के हैं सनम जौहर। बट फिर और ये उछाल के मारा है, यहां पर खतरा हो सकता है लेकिन वहां पर कोई नुकसान नहीं कोई रन नहीं। 154 रन बन चुके हैं अभी तक, 2800 ओवर प्रोग्रेस पर है सनम जौहर के द्वारा। सनम जौहर एक बार फिर और ये उसको हिट करना चाहते हैं, वहां पर मेडिकल पर खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे फील्ड किया, एक रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। 155 रन हो गया है स्कोर, 28वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है सनम जौहर के द्वारा, तो ये ओवर की समाप्ति, 28 ओवर में 155 रन। तो 2900 ओवर की गेंदबाजी लेकर के कौन आएगा ये तो समय बताएगा, कैप्टन ने किस पे भरोसा जताया है ये देखेंगे। तो अभिषेक मिश्रा है बॉलर संभवतः, अभिषेक मिश्रा बॉल करेंगे, अभिषेक मिश्रा अच्छी गेंद थी वहां पर। तो 29वें ओवर का मैच चल रहा है, 30 ओवर का गेम है, एक ओवर इसके बाद और बचेंगे। 154 रन बना चुकी है अभी तक एनआर ने ग्लोबल स्टार्स की तरफ से अभिषेक मिश्रा, और ये हिट करना चाहते हैं लेकिन वहां पे पीछे राजा लक्षपाल ने फील्ड किया, एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो 4 विकेट ले चुके हैं सनम जौहर, बॉल को हवा में लहराते हुए आते हुए ग्राउंड के बाहर सभी खिलाड़ी। तो बहुत अच्छी जो है यहाँ पर किया और ग्लोबल स्टार्स की टीम वापस आती हुई मैदान में, कुलदीप अवस्थी विकेट कीपर, उज्जवल दुबे। तो टीम ड्रेसिंग रूम में आ चुकी है, अभी बल्लेबाजी करेंगे ग्लोबल स्टार्स। 161 रन बना गए, बन चुका है एनआर का, 161 रन बनाए हैं एनआर क्रिकेट क्लब की टीम, 162 रन बनाने हैं जीत के लिए ग्लोबल स्टार्स को। तो थोड़ी देर में आपको मैच को रोमांच में जरूर लेके चलेंगे हम, बस थोड़ी देर में आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। थैंक यू।